व्हाट्स अप गवर्नर्स, राइज अप किंगडम्स के एक एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किसी कमांडर को एक्सपर्टिस करने के बाद उनका स्कल्पचर का क्या करेंगे। मेनली आप लोगों का एथेलब्रिट का स्कल्पचर का क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है। क्योंकि जो एथेलब्रिट का स्कल्पचर है उनको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, उनका डोनेट भी नहीं कर सकते। दूसरे कमांडर का स्कल्पचर को हम लोग डोनेट कर सकते हैं पास ग्लोरी इवेंट पे, केवीके के पास ग्लोरी इवेंट फर्स्ट स्टेज पे। हम लोग उनको जब आरसीएफ को बिल्डिंग करते हैं, फर्स्ट स्टेज तो नहीं, आरसीएफ बिल्डिंग के लास्ट स्टेज में हम लोग उसको डोनेट कर सकते हैं। और उसके बदले में हम लोग अलग अलग रिवॉर्ड एक्सचेंज कर सकते हैं। और अगर एक्सचेंज कंप्लीट हो जाए उसके बदले में जो भी हम लोगों का पॉइंट बचता है उसके बदले में हम लोगों को स्पीड अप्स या फिर रिसोर्सेज का रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन एथलेट का कमांडर का स्कल्पचर जो होता है वो हम लोग डोनेट नहीं कर पाते, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन उसका एक यूज है, उसका यूज कैसा है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा जो यूज होता है मैंने उसको पहले सोचा नहीं था, वो पहले से किया जा सकता है। गेम के स्टार्टिंग से वो एक ऐसा चीज है जिसको आप लोग कर सकते हैं। आप लोग किसी भी एक्सपर्टिस कमांड के स्कल्पचर के साथ वो चीज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, अगर आप लोगों को मालूम नहीं तो आप लोगों को ये सब बात बताऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, ये वीडियो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं राइज ऑफ किंगडम्स का वीडियो बनाता रहता हूँ। तो किसी भी हम लोग लेजेंडरी कमांडर के स्कल्पचर्स का बात करते हैं। ओके, एपिक का आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं हमारे कमांडर्स की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जैसे YG, चाओ चाओ, ये सब हमारा एक्सपर्टिस है, हम लोगों का एथलफ्लिट भी एक्सपर्टिस है। लेकिन मेरे पास इन तीनों में से एक का भी स्कल्पचर नहीं है, मेरे पास एथलब्रिट का स्कल्पचर है। तो मैं आप लोगों को इसका यूज करके बताऊंगा। तो इसको कहाँ पे यूज कर सकेंगे, इसको आप लोग किसी कमांडर के स्टार लेवल को अपग्रेड करने पे यूज कर सकते हैं। आप लोग किसी कमांडर का स्टार लेवल को, तो आप लोग स्टार यूज करके आप लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप लोग यहाँ पे स्टार के बदले में अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर किसी कमांडर का स्कल्पचर भी दे सकते हैं। तो जैसा ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एथलब्रिट का स्कल्पचर भी दे सकता हूँ। यहाँ पे हम लोगों को रिमाइंड मी टुमारो हम लोग यहाँ पे देते हैं और यस कर देते हैं, तो कल तक यहाँ पे मतलब कोई भी नहीं पूछेगा कि आप लोग क्या यूज करना चाहते हैं। लेकिन एक बार ध्यान से, आप लोग कहीं इसको आप लोग देने के वक्त किसी दूसरे कमांडर का स्कल्पचर अगर क्लिक हो जाए तो आप लोगों के लिए लॉस हो जाएगा। इसीलिए ये करते वक्त आप लोग ध्यान से कीजिएगा, और एक बार आप लोग एक बार कीजिएगा ऐसा, आप लोग एक बार फुल सेट 6 के 6 बिठा लीजिए। बिठा लेने के बाद नीचे जो सेम मेटेरियल फॉर्मूला यहाँ पे है इसको क्लिक कर लीजिए, ताकि आप लोग नेक्स्ट में ये सेम आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग डेवलप करते हैं, तो डेवलप करते ही हम लोगों का क्या हो गया, एथलफिट वापस आ गया। तो इस तरह से हम लोग डेवलप में बार बार क्लिक करते रहेंगे तो एथलफिट का ही बार बार आता जाएगा और एथलफिट स्कल्पचर का यूज भी हो जाएगा। ओके, लेकिन आप लोग ये ध्यान से कि यहाँ पे खत्म ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। लेकिन अभी तो एथलफिट का हम लोगों का स्कल्पचर बाकी एक ही बाकी रहेगा। ओके, तो एक ही बाकी है अभी, ये हम लोगों का डेवलप कर देते हैं। तो ये देखिए एथलब्रिट का हमारा सारा स्कल्पचर यूज हो गया। मैंने एक्चुअली यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ 98 देखा, लेकिन मेरे पास 1000 से भी ज्यादा था। मैंने किसी दूसरे कमांडर को अपग्रेड करने पे उसको यूज कर दिया था, मुझे याद नहीं कुछ दिन पहले मैंने किया था, लेकिन तब मेरा ख्याल नहीं आया कि आप लोगों को बताऊं। लेकिन आज ऐसा ख्याल आया कि आप लोगों को बता देता हूं, ताकि आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों का जैसे नॉर्मल स्टार अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप लोग यहाँ पे 6 यूज करने पे 2% आप लोगों का आगे बढ़ता है। लेकिन 6 एथलफिट का स्कल्पचर आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों का 0.2% अपग्रेड होगा। लेकिन वो भी तो आप लोगों का यूजफुल होता है ना। बाय द वे, मेरा थोड़ा कॉफ है, इसलिए थोड़ा माफ कीजिएगा अगर आप लोगों को सुनने में मतलब मेरा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके वजह से माफ कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपग्रेड कर ही देते हैं, अगर स्टार्ट कर लिया था तो स्टार्ट कंप्लीट कर ही देते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया कि आप लोग जो अनयूज्ड कमांडर का स्कल्पचर रहता है, जो एक्सपर्टिस करने के बाद किसी कमांडर का स्कल्पचर रहता है, तो उनका आप लोग क्या करेंगे वो आप लोगों को पता चल गया। तो इस तरह से आप लोग कीजिए तो ये आप लोगों का यूज हो जाएगा और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा उनको यूज करने में, क्योंकि यहाँ पे जो सेव
करने में का ऑप्शन है, ऑटो सेव आप लोगों का हो जाता है, तो इसीलिए आप लोगों का क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। आप लोग नेक्स्ट लेवल पे अगर आप लोग करते हैं, नेक्स्ट मतलब यहाँ पे हम लोग लेवल 50 में लेके उसमें भी करते थे, लेकिन अभी मेरे पास उसका स्कल्पचर खत्म हो गया, लेकिन आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, तो आप लोग इस तरह से इनको यूज कीजिए। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं राइज ऑफ किंगडम्स के वीडियोस बनाता रहता हूँ। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।